खामगाव तालुक्यातील पिंपळगाव राजा येथील जिल्हा परिषद हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय हे सर्वात मोठे कॉलेज असून या ठिकाणी आजूबाजूच्या खेड्यातील सर्वसामान्य नागरिकांची मुले मोठ्या प्रमाणात शिक्षण घेतात, परंतु या ठिकाणी एक दोन नव्हे तर तब्बल 17 वर्षांपासून 11वी 12वीच्या वर्गांना शिकवण्यासाठी शिक्षकच नाहीत। या कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये 11वी 12वी सुरू झाल्यापासून वर्ग 8वी ते 10वीचे शिक्षकच 11वी 12वी वर्गाला शिकवत होते, परंतु आता 8वी ते 10वी पर्यंतच्या वर्गावर शिक्षकांच्या जागाही रिक्त असल्याने ते 11वी 12वी कसं काय शिकवणार हा प्रश्न उपस्थित झाला असून शिक्षक घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण घेणाऱ्या या विद्यार्थ्यांचं भवितव्य अंधकारमय झालेलं आहे। त्यामुळे शिक्षण विभागाने याबाबत तात्काळ दखल घेऊन येथील शिक्षकांची रिक्त पदे त्वरित भरावी, अन्यथा पालक व विद्यार्थ्यांसोबत या महाविद्यालयाचे मुख्याध्यापक लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणार असल्याचा इशारा प्रशासनाला देण्यात आला आहे। MCN न्यूज मराठी करिता गजानन खंडारे, पिंपळगाव राजा। पिंपळगाव राजा में 17 वर्षों से ये जो आर्ट्स कॉलेज का जूनियर कॉलेज का विषय चल रहा है कि 17 वर्षों से पिंपळगाव राजा में आर्ट्स कॉलेज को किसी भी तरह से शासन की तरफ से कोई शिक्षक नहीं है, फिर भी यहाँ के शिक्षकों के सहकार द्वारा ये कॉलेज चल रहा है 11वीं 12वीं। इसके लिए हम सबसे पहले तो उन शिक्षकों ने जिन्होंने यहाँ पर मुफ्त में सेवा दी है उस विषय को लेकर उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन शासन स्तर पर ये शासन का निष्कर्षीपना है कि शासन ने शिक्षा का एक जो धोरण चलाया है सिर्फ और नाम के लिए वो चीजें है कि सर्व शिक्षा अभियान है ना, लेकिन यहाँ पर 11वीं 12वीं को 17 साल से शिक्षक नहीं है। ये हमारे गांव करियों के लिए और शिक्षा विभाग के लिए बहुत ही निंदनीय बात है, जिसके विरोध में और जिसके विषय में हमने इससे पहले भी बुल्ढाणा जाकर शिक्षण अधिकारी साहब से विनती कर एक आंदोलन का इशारा तक दिया था। लेकिन अभी यहाँ पे हम आपको एज अ मुख्याध्यापक और हमारी नागरिक के हैसियत से यहाँ पर आपको एक निवेदन के स्वरूप एप्लीकेशन दे रहे हैं, विनती दे रहे हैं कि इस स्तर इस विषय को लेकर जो भी उचित पाठ पुरावा है वो आपका प्राचार्य बोलकर शासन की तरफ वो पाठ पुरावा हो और वो उचित पाठ पुरावा करके यहाँ पे बच्चों को विद्यार्थियों को न्याय मिले और अच्छी शिक्षा जो उनका हक और अधिकार है वो यहाँ पर मिले, नहीं तो इसको लेकर शासन स्तर पर जिस तरह से भी गांवकारियों के और सहकारियों की तरफ से आंदोलन छेड़ जाएगा इसके लिए शासन जवाबदार रहेगा। बस इतनी विनती, धन्यवाद।